मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद पूर्व से नहीं आता, ये भीतर से आता है। किसी भी मिस्टिकल या गूढ़ प्रक्रिया को करने से पहले अपने भीतर 5 मूल तत्वों को मजबूत करना जरूरी है। इन्हें योग विज्ञान में पंचभूतों या महातत्वों के नाम से जाना जाता है। ये शरीर, धरती, ये सृष्टि और ब्रह्मांड, ये सभी इन 5 तत्वों का ही खेल है। शरीर कुछ इस तरह बना है कि इस शरीर का 72% जल है, लगभग 12% धरती, 6% वायु है, 4% अग्नि है और बाकी सब स्पेस या आकाश है। आपके शरीर में ये 5 तत्व जिस तरह बर्ताव करते हैं उसी के अनुसार सब कुछ तय होता है। भूत यानी तत्व, भूत शुद्धि यानी तत्वों की विकृति से मुक्त हो जाना या तत्वों को शुद्ध करना, जिसका मतलब है भौतिक प्रकृति से मुक्त होना। आजकल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने ज्यादातर इंसानों को पूरी तरह से जकड़ रखा है। हम जिसे अपना शरीर कहते हैं उसे हमने इकट्ठा किया है। हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो उन यादों पर आधारित है जिन्हें हमने इकट्ठा किया है। इन दोनों के बीच आप क्या हैं और आपके अस्तित्व की मूल प्रकृति क्या है, ये पूरी तरह से खो गया है। अगर आप ऐसे आयामों तक जाना चाहते हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं हैं, वो आयाम जो मिस्टिकल या गूढ़ माने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें 5 तत्वों को शुद्ध करना शुरू करना होगा, ताकि इनकी शुद्धता के कारण आप ये अंतर साफ साफ जान पाएं कि क्या भौतिक है, क्या मानसिक है और किस चीज का वास्तव में अस्तित्व है। आज ठोस सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि पानी की भी अपनी आदाश्त होती है। पानी के स्रोत के आसपास जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी तरह जल के अणुओं में स्टोर हो जाता है। पानी को कुछ लोग फ्लूइड कंप्यूटर भी कह रहे हैं। इन 5 तत्वों में जल का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस शरीर में 72% जल है। अगर हम पीने वाले पानी पर पर्याप्त ध्यान दें, बात केवल पानी के साफ होने या बैक्टीरिया से मुक्त होने वगैरह की नहीं है, पर इसे कैसे रखा गया है, आप इसे किस तरह के बर्तन में रखते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे छूते हैं, कैसे उसे उठाते हैं, क्योंकि आज ऐसे बहुत से वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि एक विचार, एक भावना, एक स्पर्श, ये चीजें पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं और इस बात पर गहरा असर डालती हैं कि ये पानी आपके शरीर के भीतर कैसे बर्ताव करेगा। आपको समझना होगा कि ये कोई सामान या वस्तु नहीं है, आप जीवन बनाने वाले तत्व के साथ काम कर रहे हैं। जल जीवन है। बात बस इतनी है कि ये अभी आपके बाहर है, इसके पहले कि ये आपके अंदर जाता है आप इसके साथ कैसे पेश आते हैं। अगर आप पानी को धातु के बर्तन में रखते हैं, बेहतर होगा अगर यह तांबा या तांबे की मिश्र धातु हो और रोज इसे किसी जैविक सामग्री से मांजते हैं। इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां ये दूसरी चीजों और गंधों से अछूता रहे, इसके आसपास पर्याप्त जगह हो और जब आप इसे उठाएं, आप इस बर्तन को अपने हाथ में एक तरह के आभार और सम्मान के साथ थामें, उसके बाद इसे पिए, क्योंकि ये जीवन बनाने वाला पदार्थ है। आप देखेंगे कि ये आपके सिस्टम के अंदर कितने चमत्कार कर सकता है। अच्छी सेहत और संभाव इसका एक कुदरती नतीजा होगा। आप जिस मिट्टी पर चलते हैं उसकी अपनी एक समझ और याददाश्त है, तो भले ही आप किसी कंक्रीट जंगल में रहते हो, ये जरूरी है कि आप उस धरती के साथ संपर्क में रहें जिस पर आप रहते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे तरीके बनाएं जिससे आप उस मिट्टी के, धरती के उस भाग से संपर्क बनाएं जिस पर आप रहते हैं। अपने नंगे हाथों और पैरों से, विशेष रूप से हथेलियां और पैर के तलवे, अगर वो रोज धरती के संपर्क में आते हैं
भले ही कुछ मिनटों के लिए, तो आपके शरीर में एक तरह का तालमेल आ जाएगा सिर्फ धरती के संपर्क में रहने से। अगर आप अपने बगीचे में नंगे पैर कुछ मिनट बिता सकें, पेड़ पौधों को अपने हाथों से छुएं, क्योंकि यही आपके जीवन का आधार है। हर जीवन, आपका और दूसरे सभी जीवों का जीवन, इस धरती से उपजा है। इसके संपर्क में रहें और अपने अंदर तालमेल लाएं। हालांकि वायु आपके शरीर के तत्वों का केवल 6% है, पर यह मिनट दर मिनट होने वाली लेन देन के हिसाब से बहुत जरूरी है। आप किस तरह की हवा सांस में लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सब जानते हैं, पर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे सांस लेते हैं और कितनी सजगता के साथ सांस लेते हैं। खासकर जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, आप किस तरह की हवा सांस में ले रहे हैं ये आपके हाथ में नहीं है, तो बेहतर होगा कि कम से कम कुछ मिनटों के लिए पार्क में टहलें या झील या नदी के किनारे या आपके आसपास जो भी जगह हो। खासकर अगर आपके बच्चे हैं तो ये जरूरी है कि आप उन्हें महीने में कम से कम एक बार शहर से कहीं दूर लेकर जाएं, जहां प्रकृति अपने शुद्ध रूप में हो, जहां वो कोई छोटी पहाड़ी चढ़ सकें, जंगल की सैर कर सकें या किसी नदी में तैर सकें, कोई प्राकृतिक चीज जिससे वो प्रकृति से जुड़ सकें और कुछ ऐसा करें जिससे उनकी सांस सक्रिय ढंग से चले। ये केवल एरोबिक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, क्योंकि हवा लगातार अंदर बाहर होती रहती है। आपके शरीर की कुदरती समझ इस बात का ध्यान रखेगी कि जब इसे वायु शुद्ध और जीवंत लगती है, तब यह शरीर अलग तरह से सांस लेने लगता है। आप इसे देख सकते हैं और यह आदान प्रदान होगा, शरीर के अंदर सफाई होगी, क्योंकि सांस में केवल 1-2% वायु का आदान प्रदान होता है, बाकी कई अलग अलग तरीकों से हो रहा है। जब आप ताजी हवा में रहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी सांस को सक्रिय स्थिति में लाएं, जरूरी एक्टिविटी करके। आपको बहुत ज्यादा थकाने वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, बस आपकी सांस गहरी होनी चाहिए, सामान्य से थोड़ी गहरी। कुछ समय तक सांस ऐसी होनी चाहिए, खासकर बढ़ते बच्चों के लिए ये और भी अहम हो जाता है, क्योंकि ये उनके शरीर में मजबूती और ताकत लाता है। अगर आप रोज घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने घर में ही अपनी सांस की शुद्धि के लिए एक यौगिक अभ्यास कर सकते हैं, जिसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं। आपके शरीर के 5 तत्वों में 4% अग्नि होती है। आपके भीतर कैसी अग्नि जलती है? क्या यह लालच की अग्नि है, या नफरत की, नाराजगी की, गुस्से की, वासना की, प्यार की, या करुणा की अग्नि है? अगर आप इसका ध्यान रख सकें, तो एक बार फिर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप एक संतुलित और उल्लास से भरे इंसान बन जाएंगे। अपने भीतर की अग्नि को शुद्ध करने के लिए एक सरल प्रक्रिया ये है कि आप हर रोज थोड़ी धूप लें। सौभाग्य से आप सूर्य की किरणों में मिलावट नहीं कर सकते, हालांकि हमने बाकी सभी तत्वों में मिलावट कर दी है। सूरज का प्रकाश अभी भी शुद्ध है, इसका पूरा उपयोग करें। अगर आप अग्नि का उपयोग करना चाहें, तो आप बिना किसी तेल के तिनको या लकड़ी से आग जला सकते हैं और अग्नि के सामने मुंह करके खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथ खुले रखें और आंखें खुली रखें। कम से कम 3 मिनट तक अग्नि के पास रहें और फिर उसकी ओर अपनी पीठ करके अपनी रीढ़ की हड्डी पर रोशनी पड़ने दें। इससे आपका आभा मंडल शुद्ध होगा और आपके तंत्र को एक नया जीवन मिलेगा। इस तरह बाहर की अग्नि से संपर्क बनाकर अंदर की अग्नि को नए सिरे से जगाया जा सकता है। भारत में अग्नि के साथ किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों का यही आधार है। अगर आपके लिए आग जलाना व्यावहारिक तौर पर संभव न हो, तो कम से कम तेल या घी का दीपक जला लें। दीपक जलाकर उसके आसपास रहें, पहले उसके आगे बैठें और फिर पीठ घुमाकर बैठें, ताकि अग्नि तत्व आपके भीतर नए सिरे से जाग सके। पांचवा और सबसे अधिक विस्तार रखने वाला तत्व है आकाश या एथरिक स्पेस।
इसमें खास तरह की प्रज्ञा होती है। आकाशीय प्रज्ञा आपके अंदर कैसे पेश आती है, उसी से आपके जीवन की प्रकृति तय होती है। आपके जीवन की प्रकृति, क्वालिटी और शक्ति इसी बात से तय होगी कि इस आकाशीय प्रज्ञा तक आप कितनी पहुंच पा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 5 तत्वों में ये तत्व सबसे अधिक विस्तार वाला है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। पानी केवल उतना ही है, केवल उतनी ही वायु है, उतनी ही धरती है, उतनी ही अग्नि है, पर आकाश एक असीम संभावना है। अगर इस असीम संभावना तक आप पहुंच बना सकें तो आपका बोध और समझदारी दोनों बढ़ सकते हैं। आकाश या आकाशीय प्रज्ञा तक पहुंच को बढ़ाने के लिए आप एक आसान सी प्रक्रिया कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद, इसके पहले कि सूर्य 30 डिग्री कोण को पार करे, आप एक बार आसमान की ओर देखें और आकाश को प्रणाम करें, आपको और इस ग्रह को थाम कर रखने के लिए। जब सूर्य 30 डिग्री को पार कर ले, दिन में किसी भी समय ऊपर देखकर फिर से प्रणाम करें। सूरज ढलने के बाद, ढलने के 40 मिनट के अंदर आकाश की ओर देखकर फिर से प्रणाम करें। आप ऊपर बैठे किसी काल्पनिक भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे, आप उस आकाश को प्रणाम कर रहे हैं जिसने हमें इस जगह पर थाम रखा है। अगर आकाश आपकी जीवन ऊर्जा को सहयोग देने लगे तो जीवन जादुई तरीके से घटित होगा। आपके पास एक ऐसी समझ आ जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंसान के लिए अपने जीवन में कृपा का तत्व प्राप्त करने के लिए शांभवी मुद्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक खिड़की को खोलने की तरह है, ताकि हम कृपा को प्राप्त कर सकें।